वेलकम बैक गाइस। पोकेमॉन वर्ल्ड यार बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए यार इसमें इतने सारे पोकेमॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो यार ऐश का सपना था कि वो हर एक पोकेमॉन को कैच करेगा, लेकिन हमको पता ही है भाई उसने क्या किया, उसने सबको कैच नहीं किया। हम लोग यार सब लोग कुछ ना कुछ पोकेमॉन्स के बारे में सोचते थे कि यार ऐश को इस पोकेमॉन को कैच करना चाहिए। तो आज की वीडियो में वैसे ही मैं तुम लोग को हर एक टाइपिंग से बताने वाला हूँ कुछ ऐसे पोकेमॉन जो कि यार मैं चाहता हूँ कि यार ऐश को कैच करने चाहिए या फिर पहले करने चाहिए थे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी भाई, एंड तक ज़रूर देखना। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फायर टाइपिंग के साथ में। इस टाइपिंग में भाई जो मैं चाहता हूँ पोकेमॉन ऐश कैच करना चाहिए वो है हाउंडूम। ये पोकेमॉन भाई मेरे को बहुत सही लगता है, इसका डिज़ाइन बहुत मस्त है, काफ़ी ईविल टाइप का डिज़ाइन है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फायर टाइप पोकेमॉन भी है। ऊपर से भाई इसके पास मेगा एवोल्यूशन भी है, और ऐसा भी नहीं बोल सकते भाई अब तो तुम लोग के ऐश मेगा इवॉल्व नहीं करता, उसने लुकारियों को मेगा इवॉल्व किया है। तो यार हो सकता है अगर ऐश इसको कभी कैच करे तो यार ये मेगा इवॉल्व भी करे, कितना मज़ा आएगा। मैं तो डेफिनेटली चाहता हूँ फायर टाइप में ऐश इसको ज़रूर कैच करे कभी ना कभी फ्यूचर में। नेक्स्ट टाइपिंग आती है वाटर टाइप। इसमें भाई मैं चाहता हूँ कि ऐश गैरेडोस को पकड़े। हम सब भाई गैरेडोस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसका डिज़ाइन बहुत औसम है और यार ये वाटर टाइप में मेरा वन ऑफ द फेवरेट पोकेमॉन है, काफ़ी अच्छा है और इसकी पावर भी कम नहीं है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये मैजिक कार्ड से गैरेडोस बन जाता है तो यार काफ़ी मज़ेदार पोकेमॉन है, मेरे ख्याल से ऐश को इसको भी कैच करना चाहिए। नेक्स्ट टाइपिंग आती है ग्रास टाइप। इसमें भाई मैं चाहता हूँ कि ऐश पैनसेज पोकेमॉन को पकड़े। ये इनोवा रीजन से है, तुमको पता होगा। पैनसेज मुझे वैसे इतना पसंद नहीं है पर इसका जो एवोल्यूशन है भाई वो बहुत सही है, मतलब काफ़ी गजब पोकेमॉन है। तो मेरे ख्याल से ऐश को इसको पकड़ना चाहिए था लिवानी की जगह। नेक्स्ट टाइपिंग आती है फाइटिंग टाइप। इसमें तो भाई शायद बहुत लोग यही पोकेमॉन चाहते होंगे कि ऐश को इसको कैच करना चाहिए था, जो कि है मचैम्प। ये जेन 1 से है और यार ये सबका ही बहुत ज़्यादा फेवरेट पोकेमॉन है, मुझे काफ़ी पसंद है भाई मचैम्प, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है और डिज़ाइन भी इसका बहुत औसम है। फाइटिंग टाइप में यार पता नहीं क्यों ऐश ने यार मचैम्प पोकेमॉन को नहीं पकड़ा, भले यार फर्स्ट स्टेज से पकड़ता मतलब मचॉप वाले स्टेज से फिर इवॉल्व होता तो भी यार काफ़ी सही रहता। तो मेरे ख्याल से इसको यार कैच करना चाहिए ऐश को कभी ना कभी। नेक्स्ट टाइपिंग आती है घोस्ट टाइपिंग। इसमें तो भाई मैं चाहता हूँ कि ऐश सेबलाई पोकेमॉन को कैच करे। सेबलाई पोकेमॉन भाई काफ़ी सही लगता है और इसके पास भी एक मेगा एवोल्यूशन है भाई, पहले से ही इतना पावरफुल भी है और इसके पास मेगा एवोल्यूशन भी है। या अगर सेबलाई नहीं तो भाई एक और ऑप्शन है जो कि है डस्कलॉप्स, यार ये भी काफ़ी सही है और इसका एवोल्यूशन भी बहुत मस्त है। मेरे ख्याल से ऐश को घोस्ट टाइपिंग में इनमें से किसी एक पोकेमॉन को कैच करना चाहिए। नेक्स्ट टाइपिंग आती है डार्क टाइप। इसमें तो भाई डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि ऐश को एब्जोल पोकेमॉन कैच करना चाहिए या फिर करना चाहिए था पहले, क्योंकि यार ये पोकेमॉन कितना मस्त है तुम लोग देख सकते हो और इसका अपीयरेंस ही बिल्कुल एक लेजेंडरी पोकेमॉन की तरह है। इवन मेरे को तो पहले ये भी लगता था भाई ये लेजेंडरी पोकेमॉन ही है, क्योंकि ये लगता बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई ये लेजेंडरी है। इसकी पावर्स भी भाई बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत पावरफुल पोकेमॉन है और मैंने पोकेमॉन यूनाइट के अंदर भी भाई इसको रिसेंटली खरीदा यार, ये पोकेमॉन यूनाइट में भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टाइपिंग आती है फ्लाइंग टाइप। इसमें भाई मैं चाहता हूँ कि ऐश यार साइथर पोकेमॉन को कैच करे। साइथर भाई स्टार्टिंग से ही मेरे को काफ़ी पसंद है भाई, इसका डिज़ाइन वगैरह बहुत औसम है और ये काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन भी है। इसका एवोल्यूशन सिज़ोर भी काफ़ी अच्छा है, हालांकि वो फ्लाइंग टाइप का नहीं रहता, ये इवॉल्व होने के बाद टाइपिंग चेंज हो जाती है इसकी, लेकिन तब भी यार ये बहुत औसम रहता है और इसके पास भी मेगा एवोल्यूशन है। डेफिनेटली यार मैं चाहता हूँ कि ऐश साइथर को ज़रूरी पकड़े, भले इवॉल्व करे ना तब भी चलेगा। वैसे तुमको याद ही होगा एक बार ऑरेंज आइलैंड में ऐश ने ऑलमोस्ट कैच कर लिया था साइथर को। नेक्स्ट टाइपिंग आती है इलेक्ट्रिक टाइप। अब जैसे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक टाइप में आज तक ऐश ने कोई पोकेमॉन कैच ही नहीं करा भाई, सिर्फ उसका स्टार्टर पिकाचू इलेक्ट्रिक टाइप का है। तो यार पिकाचू के अलावा ऐश के पास दूसरा इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन मेरे ख्याल से लग्जरे होना चाहिए। लग्जरे पोकेमॉन भाई बहुत ज़्यादा गजब है, इसके पास सब कुछ है भाई, पावर डिज़ाइन वगैरह बहुत मस्त पोकेमॉन है। डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि यार ऐश लग्जरे को कैच करें। नेक्स्ट टाइपिंग आती है बग टाइपिंग। बग टाइपिंग में भाई मैं चाहता हूँ कि ऐश बीड्रिल को कैच करे। हाँ भाई मुझे याद है ऐश के पास बीड्रिल था लेकिन अभी नहीं है भाई, तुमको याद ही होगा उसने कॉन्टेस्ट में कैच किया था लेकिन फिर केसी को दे दिया। इससे हम समझ सकते हैं भाई ऐश को बीड्रिल वैसे पसंद है यार, तो मेरे ख्याल से ऐश को बीड्रिल को कैच करना चाहिए, क्योंकि बीड्रिल भी भाई बहुत ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन है और उसके पास भी भाई मेगा एवोल्यूशन है। तुम सोच सकते हो यार उसकी टीम कितनी सही हो जाएगी यार, इतने सारे पोकेमॉन मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइपिंग आती है नॉर्मल टाइप। इसमें भाई मैं चाहता हूँ कि ऐश अर्सरिंग पोकेमॉन को कैच करे। ये भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है और काफ़ी सही लगता है भाई, मेरे को लगता है अगर ऐश इसको कैच करे और ट्रेनिंग दे तो भाई डेफिनेटली ये स्नोरलैक्स जैसा पोकेमॉन बन सकता है। नेक्स्ट टाइपिंग आती है पॉइजन टाइपिंग। इसमें से तो भाई मैं चाहता हूँ कि ऐश निडोकिंग को पकड़े। मेरे ख्याल से यार स्टार्टिंग से ही हर कोई चाहता होगा जब वो जेन 1 देखता है, मतलब कैंटो जब तुम लोग देख रहे होगे, जब तुम लोग सब लोग सोचते होगे कि भाई यार ऐश को निडोकिंग पकड़ना चाहिए भाई, कितना गजब पोकेमॉन है यार ये, और एनिमे के अंदर भी इसका अपीयरेंस काफ़ी सही है भाई और काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन भी है ये। मेरे ख्याल से ऐश को पॉइजन टाइप में निडोकिंग बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट टाइपिंग आती है आइस टाइप। इसमें तो भाई पाइलोस्वाइन बहुत ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन है यार, पाइलोस्वाइन पोकेमॉन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर उसको एक बहुत सही ट्रेनर मिले जो कि बहुत अच्छे से ट्रेन करे। तुमने जोटो रीजन के जिम लीडर के पास इसको देखा होगा, प्राइस जिसका नाम था भाई, उसने कितना सही ट्रेन किया था यार अपने पाइलोस्वाइन को। अगर वैसा ऐश ट्रेन करे तो बहुत सही पोकेमॉन रहेगा यार ऐश के लिए ये। और इसका एवोल्यूशन मैमोस्वाइन भाई कितना खतरनाक है और कितना बड़ा पोकेमॉन है, डॉन के पास सबने देखा होगा भाई इसको।
मेरे ख्याल से भाई डेफिनेटली ऐश के पास एक मैमोसाइन बहुत ज़्यादा सही लगेगा उसकी पोकेमॉन टीम में। नेक्स्ट टाइपिंग आती है ड्रैगन टाइप। इसमें मैं डेफिनेटली दो पोकेमॉन्स का नाम लेता, एक है ड्रैगनाइट और एक है गार्चॉम्प। लेकिन ऑब्वियसली सबको पता है भाई ऐश के पास गिबल भी है, हालांकि उसने इवॉल्व नहीं किया पर फिर भी भाई पोकेमॉन तो गिबल है उसके पास। और ड्रैगनाइट को भी उसने गलार में कैच किया है, फाइनली सबकी भाई इच्छा पूरी कर दी इस बार ऐश ने, तो इसी वजह से इन दोनों का नाम तो भाई ले नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से अगला जो पोकेमॉन होगा वो है ड्रेडिगन। ड्रेडिगन भी भाई एक ऐसा ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है और मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई ऐश इसको कैच करे। वैसे तो इसको चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि पोकेमॉन वाले इतने ज़्यादा ड्रैगन टाइप नहीं देंगे भाई ऐश को, क्योंकि वरना उसकी टीम काफ़ी ओवर पावर हो जाएगी। पर फिर भी अगर ऐश का भी एक और ड्रैगन टाइप पकड़ता है तो मेरे ख्याल से यार वो यही होना चाहिए, मतलब ऐश ही सही पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट टाइपिंग आती है फेरी टाइप। इसमें तो भाई मैं चाहता हूँ कि ऐश सिल्वियन को कैच करे। सिल्वियन भाई बहुत ज़्यादा अच्छी पोकेमॉन है और अगर ऐश के पास भाई कभी ईवी आती है, जो कि मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है भाई फ्यूचर में कभी ना कभी पोकेमॉन कंपनी ऐश को ज़रूर ईवी देगी, क्योंकि ईवी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और खासकर इसके इवोल्यूशंस के चलते इसकी पॉपुलैरिटी बहुत है। तो यार अगर कभी ऐश को एक ईवी मिलती है तो मैं चाहता हूँ भाई ऐश डेफिनेटली उसको सिल्वियन बनाए, भाई काफ़ी मज़ा आएगा। ऊपर से ऐश और सरीना की जोड़ी भाई और ज़्यादा जमेगी, दोनों के पास सिल्वियन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइपिंग आती है रॉक टाइप। इसमें तो भाई मैं चाहता हूँ कैश टायरेंटर को कैच करे। टायरेंटर भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल और मस्त सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। इसका डिज़ाइन भी भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। हम सबको यार याद ही है कि भाई ऐश के पास कैसे यार एक लार्वेटार था पहले, हालांकि फिर उसने उसको रिलीज़ कर दिया। सोचो यार कितना मज़ा आता अगर वो लार्वेटार ऐश के पास ही रह जाता भाई हमेशा, तो यार ऐश की टीम में हमको एक टायरेंटर देखने मिल सकता था और काफ़ी मज़ा आता था तब तो डेफिनेटली। और टायरेंटर का मेगा एवोल्यूशन भी सब लोग जानते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल है, और यार टायरेंटर लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन में से एक है। नेक्स्ट टाइपिंग आती है ग्राउंड टाइप। इसमें भाई सबसे बेस्ट लगता है मेरे को ऑनिक्स, मतलब ये पोकेमॉन मैं चाहता हूँ कि यार ऐश कैच करे ऑनिक्स को। ऑनिक्स यार स्टार्ट से ही मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, जब से मैंने उसको ब्रॉक के पास देखा था स्टार्टिंग वाले एपिसोड में, और यार ये काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन भी है। मैं चाहता हूँ यार ऐश इसको पकड़े यार ऑनिक्स को और इसको इवॉल्व भी करे स्टीलिक्स में, और ऑब्वियसली भाई ये भी मेगा इवॉल्व हो सकता है, पता नहीं भाई जो भी मैं पोकेमॉन चुन रहा हूँ ऑलमोस्ट सभी मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइपिंग है स्टील टाइप। इसमें भाई मैं चुनूंगा मैग्नेटॉन पोकेमॉन को। मैग्नेटॉन भाई इतना बुरा भी पोकेमॉन नहीं है, काफ़ी अच्छा ही है, लेकिन फिर भी अगर इसके सिर्फ दो स्टेज होते हैं यानी कि मैग्नेटॉन और मैग्नेमाइट तो मैं इसको नहीं चुनता। लेकिन यार इसके पास मैग्नेजोन भी है थर्ड एवोल्यूशन, जो कि यार काफी खतरनाक पोकेमॉन है, मतलब दोनों से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो मैं चाहता हूं यार डेफिनेटली मैग्नेटॉन को कैच करना चाहिए। नेक्स्ट टाइपिंग आती है साइकिक टाइप। इसमें तो भाई नो डाउट मैं चाहता हूँ कि यार कडाबरा को कैच करे। वैसे मुझे आबरा इतना पसंद नहीं है, लेकिन यार कडाबरा और अलग से बहुत मस्त है और बिल्कुल परफेक्ट पोकेमॉन है यार ऐश की टीम में आने के लिए। तो यार मैं चाहता हूँ कि ऐश जरूर पकड़े भाई एक कडाबरा को और उसको इवॉल्व भी करे अलग एग्जाम में। तो हाँ यार यही थे वो सारे के सारे पोकेमॉन जो कि मैं चाहता हूँ ऐश हर एक टाइपिंग में से पकड़े। होपफुली तुमको वीडियो पसंद आई हो, और पहले तो यार कमेंट में जाके तुम लोग भी हर एक टाइपिंग से बताओ कि तुम कौन से पोकेमॉन को चाहते हो कि यार ऐश को पकड़ना चाहिए। मैंने तो भाई बता दिया वीडियो में, तो अब पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन दबा देना। आज भाई पोके को कुछ नहीं है, बस तुम लोग यही बता दो कमेंट में तुम लोग ऐसा कौन सा पोकेमॉन है जो चाहते हो यार ऐश को पकड़ना चाहिए पर उसने नहीं कैच किया, कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।